दोस्तों आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की अंतिम कथा। ये कथा रानी रूपवती द्वारा सुनाई गई थी। बत्तीसवीं पुतली रानी रूपवती ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं दिखाते देखा तो उसे अचरज हुआ। उसने जानना चाहा कि राजा भोज में आज पहले वाली व्यग्रता क्यों नहीं है। राजा भोज ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएँ सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि इतनी विशेषताएँ एक मनुष्य में असंभव हैं और मानते हैं कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं। अतः उन्होंने सोचा कि सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गड़वा देंगे जहां से इसे निकलवाया गया था। राजा भोज का इतना बोलना था कि सारी पुतलियां अपनी रानी के पास आ गईं। उन्होंने हर्षित होकर राजा भोज को उनके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वे भी मुक्त हो गईं। आज से सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों का आंशिक स्वामी होना बतलाया और कहा किसी योग्यता के चलते उन्हें सिंहासन के दर्शन हो पाए। उन्होंने ये भी बताया कि आज से सिंहासन की आभा कम पड़ जाएगी और धरती की सारी चीजों की तरह इसे भी पुराना पड़कर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना कहकर उन पुतलियों ने राजा से विदा ली और आकाश में उड़ गईं। पलक झपकते ही सारी की सारी पुतलियां आकाश में विलीन हो गईं। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलवाया और गड्ढा खुदवाने का निर्देश दिया। जब मजदूर बुलाकर गड्ढा खोद डाला गया तो वेद मंत्रों का पाठ करवाकर पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को गड्ढे में दबवा दिया गया। मिट्टी डालकर फिर वैसा ही टीला निर्मित करवाया गया जिस पर बैठकर चरवाहा अपने फैसले देता था, लेकिन नया टीला वो चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने वाले टीले में थे। कुछ विभिन्नताओं के साथ हर लोकप्रिय संस्करण में उपसंहारों के रूप में एक नई कथा और मिलती है। उसमें सिंहासन के साथ पुनः दबाने के बाद क्या गुजरा ये वर्णित है। आधिकारिक संस्कृत संस्करण में ये उपसंकार रूपी कथा कहीं नहीं मिलती, मगर जनसाधारण में ये काफी प्रचलित है। कई साल बीत गए। वो टीला इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सुदूर जगहों से लोग उसे देखने आते। सभी को पता था कि इस टीले के नीचे अलौकिक गुण वाला सिंहासन दबा पड़ा है। एक दिन चोरों के गिरोह ने फैसला किया कि उस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे बेच देना चाहिए। उन्होंने टीले से मीलों पहले एक गड्ढा खोदा और कई महीनों की मेहनत के बाद सुरंग खोदकर उस सिंहासन तक पहुंचे। सिंहासन को सुरंग से बाहर लाकर एक निर्जन स्थान पर उन्होंने हथौड़े के प्रहार से उसे तोड़ना चाहा। चोट पड़ते ही ऐसी भयानक चिंगारी निकली कि तोड़ने वाले को जलाने लगी। सिंहासन में इतने सारे बहुमूल्य रत्न माणिक्य जड़े हुए थे कि चोर उन्हें सिंहासनों से अलग करने का मोह त्याग नहीं सके। सिंहासन पूरी तरह से सोने से निर्मित था, इसलिए चोरों को लगता था कि सारा सोना बेच देने पर भी कई हजार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी और उनके पास इतना अधिक धन जमा हो जाएगा कि उनके परिवार में कई पुरखों तक किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सारा दिन प्रयास करते रहे, मगर उनके प्रहारों से सिंहासन को रत्ती भर भी क्षति नहीं पहुंची। उल्टे उनके हाथ चिंगारियों से झुलस गए और चिंगारियों को बार बार देखने से उनकी आंखें दुखने लगी। वे थक कर बैठ गए और सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचे कि सिंहासन भूतहा है। भूतहा होने के कारण ही राजा भोज ने इसे अपने उपयोग के लिए नहीं रखा। महल में इसे रखकर जरूर ही उन्हें कुछ परेशानी हुई होगी। तभी उन्होंने ऐसे मूल्यवान सिंहासन को दोबारा जमीन में दबवा दिया। वे इसका मोह राजा भोज की तरह ही त्यागने की सोच रहे थे। तभी उनका मुखिया बोला कि सिंहासन को तोड़ा नहीं जा सकता, पर उसे इसी अवस्था में उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चोर ने उस सिंहासन को अच्छी तरह कपड़े में लपेट दिया और उस स्थान से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में उसे उसी रूप में ले जाने का फैसला किया। वे सिंहासन को लेकर कुछ महीनों की यात्रा के बाद दक्षिण के एक राज्य में पहुंचे। वहां किसी को उस सिंहासन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने जौहरियों का वेश धारण कर उस राज्य के राजा से मिलने की तैयारी की। उन्होंने राजा को वो रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन दिखाते हुए कहा कि वे बहुत दूर के रहने वाले हैं और उन्होंने अपना सारा धन लगाकर यह सिंहासन तैयार करवाया है। राजा ने उस सिंहासन की शुद्धता की जांच अपने राज्य के बड़े बड़े सुनारों और जौहरियों से करवाई। सब ने उस सिंहासन की सुंदरता और शुद्धता की तारीफ करते हुए राजा को वो सिंहासन खरीद लेने की सलाह दी। राजा ने चोरों को उसका मुंह मांगा मूल्य दिया और सिंहासन अपने बैठने के लिए ले लिया। जब वो सिंहासन दरबार में लाया गया तो सारा दरबार अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। उसमें जड़े हीरो और माणिक्य से बड़ी मनमोहक आभा निकल रही थी। राजा का मन भी ऐसे सिंहासन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ।
शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने सिंहासन की पूजा विद्वान पंडितों से करवाई और सिंहासन पर नित्य बैठने लगा। सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर दूर से राजा उस सिंहासन को देखने के लिए आने लगे। सभी आने वाले उस राजा के भाग्य को धन्य कहते क्योंकि उसे ऐसा अद्भुत सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला। धीरे धीरे प्रसिद्धि राजा भोज के राज्य तक भी पहुंची। सिंहासन का वर्णन सुनकर उनको लगा कि कहीं विक्रमादित्य का सिंहासन ना हो। उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाकर विचार विमर्श किया और मजदूर बुलवाकर टीले को फिर से खुदवाया। खुदवाने पर उनकी शंका सत्य निकली और सुरंग देखकर उन्हें पता चल गया कि चोरों ने वो सिंहासन चुरा लिया है। अब उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि वो राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर आरूढ़ कैसे हो गया। क्या वो राजा सचमुच विक्रमादित्य के समकक्ष गुणों वाला है? उन्होंने कुछ कर्मचारियों को लेकर उस राज्य जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया। काफी दिनों की यात्रा के बाद जब वो वहां पहुंचे तो उस राजा से मिलने उसके दरबार पहुंच गए। उस राजा ने उनका पूरा सत्कार किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा भोज ने उस सिंहासन के बारे में राजा को सब कुछ बताया। उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि उसे सिंहासन पर बैठने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। राजा भोज ने ज्योतिषों और पंडितों से विमर्श किया तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है सिंहासन अपना सारा चमत्कार खो चुका हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सिंहासन अब सोने का ना हो और रत्न और माणिक के कांच के टुकड़े मात्र हों। उस राजा ने जब ऐसा सुना तो कहा कि यह संभव है। चोरों से उसने उसे खरीदने से पहले पूरी जाँच करवाई थी, लेकिन जब जौरियों ने फिर से उसकी जांच की तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। सिंहासन की चमक फीकी पड़ गई थी और वो एकदम पीतल जैसा हो गया था। रत्न माणिक्य की जगह कांच के रंगीन टुकड़े जड़े थे। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह की और उसने गणना करने को कहा। उन्होंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद ये कहा कि चमत्कारी सिंहासन अब मृत हो गया है। इसे अपवित्र कर दिया गया और इसका प्रभाव जाता रहा। उन्होंने कहा कि अब इस मृत सिंहासन का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाना चाहिए। उस राजा ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाया और मजदूर बुलवाकर मंत्रोच्चार के बीच उस सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता रहा, वो सिंहासन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। लोक कथाओं और जनश्रुतियों में उसकी चर्चा होती रही। अनेक राजाओं ने विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए कालांतर में एक से बढ़कर एक गोताखोरों को तैनात किया और कावेरी नदी को छान मारा, मगर आज तक उसकी झलक किसी को नहीं मिल पाई। लोगों का विश्वास है कि आज भी विक्रमादित्य की खूबियों वाला अगर कोई शासक हो तो वो सिंहासन अपनी सारी विशेषताओं, अपनी सारी शक्तियों और चमक के साथ बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सिंहासन बत्तीसी की 32 कथाओं वाली पूरी श्रृंखला। आज से सिंहासन बत्तीसी की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। हम आपसे मिलते हैं ऐसी ही किसी नई रोचक लोक कथा या फिर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।